नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। पेगासस मसले पर देश की संसद से लेकर प्रदेश की सियासत तक घमासान मचा हुआ है। इस मसले पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से अपना अपना पक्ष भी रखा गया है। कांग्रेस ने जहां केंद्र सरकार पर निजता का हनन करने का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस बिना किसी तथ्य के केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। इन सभी आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में एक नेता की चुप्पी भी सभी को हैरत में डाल रही है। केंद्र सरकार पर पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जिन जिन लोगों की जासूसी करवाने का आरोप लग रहा है, उनमें एक नाम पूर्व में राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के निजी सचिव प्रदीप अवस्थी का नाम भी शामिल है। इसे लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि विजया राजे सिंधिया, जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया, उन्हीं के परिवार के सदस्य और अपनी ही पार्टी की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे तक की जासूसी के लिए उनके निजी सचिव का फोन टेप करा दिया गया। तो फिर देश में अब बचा क्या है? हैरानी की बात है कि जिस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस ने देश प्रदेश के सियासी गलियारों में इतना तूफान मचाया हुआ है, उस मुद्दे पर अभी तक वसुंधरा राजे की ओर से कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है, और वो भी तब जब इस मसले में उनके निजी सचिव का नाम भी आ गया है। हालांकि इस मसले पर कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वसुंधरा राजे ने कहा था कि विपक्ष के नेताओं की नीति और नियत में खोट है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि विपक्ष सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन अपने निजी सचिव का नाम आने के मामले पर चुप्पी साध ली है। जानकारों का कहना है कि इन दिनों वसुंधरा राजे का पूरा फोकस 2023 के विधानसभा चुनावों पर है, और इसीलिए वे इन दिनों खुद को मजबूत करने के साथ ही पार्टी आलाकमान को खुश भी रखना चाहती है। इसीलिए इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद वो इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। इसके अलावा वसुंधरा राजे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले हर नेता को भरोसे की कसौटी पर परख रही है, ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़े।